कोतवाली थाना क्षेत्र के एडी माल के पास गुरुवार की सुबह अचानक विद्युत पोल में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल आग लगने की सूचना विद्युत विभाग और फायर ब्रिगेड को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। इस दौरान किसी भी जानमाल का नुकसान की सूचना नहीं है, जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि एडी माल के सामने एक बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी, जिसका तार शॉर्ट सर्किट होने से जल रहा था, जिसको स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग नहीं बुझ पाई। स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया और उस पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट की आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा, माल सामने इलेक्ट्रिक का पोल था, जिसमें केबल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी, केबल जल रही थी, जिसके वहाँ स्थानीय लोग ने फायर फंक्शन से बुझाने का प्रयास भी किया और कुछ ही समय में सूचना मिलने पर गाड़ी भी मौके पहुँच गई। तो कोई आग बड़ी नहीं थी, तो केबल में थी, तो उसको तुरंत बुझा दिया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार का न जनहानि हुई है, न कोई धन का नुकसान हुआ है।